इंसान के तो पंजे आगे होते हैं, इसके पंजे पीछे थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आज मौसम इतना जबरदस्त था कराची के अंदर कि मैंने कॉल की बासित को, बोला बासित कहाँ है, सारे काम छोड़ दे और अब हम चलते हैं कहीं चक्कर लगाने। तो चक्कर लगाते 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 हम लोग पहुंच गए हॉक्स बे, काफी टाइम बाद आए हैं। और क्या मौसम हो रहा है, और मतलब आप देखें हल्की हल्की बारिश चल रही है। अच्छा, हम जो है ना अब यहाँ पे जो लोग जो केयर टेकर होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के केयर टेकर होते हैं, जो चौकीदार होते हैं और जो गनमैन वगैरह होते हैं, तो हम यहाँ पे इनसे सलाम दुआ वगैरह की। हम बैठे हैं इनके पास आगे, देखें हम यहाँ पे इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठे अंदर भाई बैठे हुए, उन्होंने क्या देखा था यहाँ पे वो हम आपको बताते हैं और अंदर लेके चलते हैं आगे। ऐसे लग रहा है मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन मगरिब का टाइम नहीं हो रहा, 4 बजे आ जाए। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? असलम। असलम भाई, असलम भाई से हमारी इत्तेफाक से यहाँ पे मुलाकात हुई है। बताएं कि क्या हुआ था? यहाँ एक दुकानदार है, इसी रोड पे आता जाता था। सही है, रोज आता जाता था, सुबह आता था शाम को चले जाता था। सही है। इसी दौरान इसको एक औरत टकरी। किस, क्या टाइम हो रहा था, वक्त क्या हो रहा था? आठ से साढ़े आठ नौ बजे। और यहाँ तो 8-8.30 बजे पूरा सन्नाटा हो जाता होगा ना, अंधेरा बिल्कुल, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। सही है। तो उसी दौरान उसको एक औरत नजर आया, जैसे दुल्हन को सजाते हैं। सही है, दुल्हन टाइप की, अच्छा सजी हुई थी। सही हुई थी, बिल्कुल सही है। तो वो आगे चल के रुक गया। अच्छा, बाइक पे जा रहा था वो? वो बाइक पे जा रहा था। अच्छा अच्छा, बाइक मोटरसाइकिल वाला बाइक पे जा रहा था। सही है। तो उसके बाद उसको ये नजर आई। सही है। ये दुल्हन नजर आई और ये रुक गया, तो आगे चल के रुक गया। सही है। तो उसके बाद उसके पास आके रुका। अच्छा, उतर गया। उतरने के बाद उसने देखा कि उसके जो पंजे हैं, इंसान के तो पंजे आगे होते हैं, उसके पंजे पीछे थे। अच्छा, पांव उल्टे थे, मतलब पांव उल्टे थे इसके पीछे थे। फिर ये इतना डरा कि बेअंदाज डरा। अच्छा, बैग तक पता नहीं कैसे पहुंचा, कैसे बैठ गया, कैसे चला गया। अच्छा, भाग गया, मतलब वहां से भाग गया। सही है, सही है। तो एक दो दफा मैं यहाँ चौकीदार हूँ, में ऑटो का, तो मैं भी यहाँ बैठता हूँ, दो तीन जने बैठते हैं, तो मेरे चौकीदार चले गए, दो थे, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे ये ऐसा लगा कि कोई चीज यहाँ है, यहाँ पे बाहर। हाँ, अच्छा। और साथ साथ मुझे जैसे परफ्यूम, जैसे लुबाने धूप है, उसका खुशबू लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इस जगह पे मुझे लगा कि कोई कड़ा है। अच्छा, और ये क्या वक्त हो रहा था? ये 9 था, 9 रात के 9 बज रहे, 9-8 यही टाइम था, यही वक्त था। और आगे पीछे कोई भी नहीं था, सन्नाटा, बिल्कुल गुप्त खामोशी। मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान खड़ा है, कोई औरत खड़ा है। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, आगे नहीं बढ़ा, मुझे इतना हिम्मत नहीं हो कि आगे बढ़ूं। अच्छा अच्छा। वो कहते हैं ना जिस्म के बाल, हाँ, रोंगटे खड़े हो जाए, जिस तरह अभी आप कहानी बता रहे, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, ऐसा। तो हिम्मत नहीं हुआ मुझे कि उसके पास जाऊं। सही। जैसे खड़ा हुआ है, अंधेरा है, खड़ा हुआ है। सही है। और गाड़ी का लाइट लगता है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अल्लाह का नाम है। सही। कोई गाड़ी शाड़ी नहीं है, सब चले जाते आगे पीछे गाड़ियाँ, वो फिर भी यही चीज नजर आया मुझे। मतलब आपने ये कहा कि रात को जब गाड़ी कोई निकलती थी, उसकी रोशनी में कुछ नहीं नजर आता था? हाँ, बिल्कुल नहीं। और जब गाड़ी गुजर जाती थी तो फिर कोई नजर आता था खड़ा हुआ? फिर कोई नजर आता था। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे दोनों दोस्त है, मैंने कहा ऐसा है। अच्छा, ऐसा मैंने देखा। फिर वो मेरे हंसने लगे, बोलते तुम डरते हो। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, देखो। अच्छा, उन दोनों को भी नजर आया। अच्छा, उन्होंने भी देखा हुआ है? उन्होंने भी देखा। अच्छा, ये भी कोई सजी हुई थी औरत दुल्हन की तरह या नहीं? ये वही एक ही चीज। अच्छा, उसने देखा, हम तीनों ने देखा। सही सही सही, ऐसा। और जो आपके जोड़ीदार जो यहाँ पे होते हैं, उन्होंने भी देखा हुआ? उन्होंने बिल्कुल देखा, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और किसी को नुकसान वगैरह तो नहीं पहुँचाया कभी? नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। अच्छा, आज तक नहीं पहुँचा। वो कहते हैं ना, किसी को मत सताओ तो कोई नहीं सताएगा। सही सही। हाँ, ये भी है, किसी को मत सताओ आप। तो अभी आप जब यहाँ पे रहते हैं रात को, तो कभी आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। अच्छा, नहीं लगता है। अच्छा। अब आप लोगों की आदत होगी, मतलब? आदत होगी, बिल्कुल आदत होगी। ये समंदर है, दरिया लाल, इस पे तो गिनात रहते हैं। हाँ। ये तो एक हिसाब से रास्ता है, बिल्कुल ऐसे ऐसा।
जैसे कि समंदर है ये तो जिंदा पी रहे, ये तो हिलता है, दुनिया का जितने पानिया हिलते नहीं वही हिलता है, जिंदा पी रहे, मतलब खड़े होकर पेशाब करो तो उस बंदे में पार्ट डिफेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर समंदर में कोई करता है इस तरफ मुंह करके पेशाब करे तो हो जाता है काम। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? आगे पीछे हुआ है। अच्छा हुआ है, मतलब आपने सुना है ये? हाँ बिल्कुल। और ये तो ऐसी जगह है कि अभी दिन के टाइम पे भी अगर आप आ जाए ना, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और वीक डे है, मतलब आज मंडे है, तो यहाँ पे सन्नाटा है, लोग हैं नहीं ज्यादा। और रात के टाइम पे तो ये जगह जो है ना बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है, मतलब सन्नाटा हो जाता है। सिर्फ ये तो यहाँ के मकामी लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है ये रहते हैं और ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज थोड़ा सीन होता है। तो भाई अगर रात के टाइम पे आप लोगों ने यहाँ पे आना है तो आप लोगों ने भी एहतियात करनी है, ऐसा ना हो कि जिस तरह कारसाज पे एक दुल्हन है और आपको हॉक्सबे की भी दुल्हन नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कि इन लोगों ने बताया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल चार लोगों ने इनके करीब में ही देखी, हो सकता है यहाँ के और लोगों ने भी देखी, और अगर हो सकता है किसी ने वीडियो देखने वाले ने भी किसी ने कुछ देखा हो तो जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू फॉर अस, हमें पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पे हॉक्सबे की तरफ भी कुछ इस तरह का मामला है। ये तो अभी हम बस ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए आए हैं, इनसे बातचीत हुई, मोहब्बत है और हम यहाँ पे बैठ गए इनकी बैठक के अंदर तो पता चला। तो होपफुली आप लोगों ने इंजॉय की होगी। अभी इन लोगों ने हमारे लिए जो है ना चाय वगैरह भी मंगा ली, तकलीफ कर ली है, तो फिर हम चाय वगैरह पीते हैं, मौसम का एंजॉय करते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।